सर्वप्रथम यह जानना महत्वपूर्ण है कि शिक्षण हेतु तीन तत्वों का होना आवश्यक है, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पठन सामग्री। इन्हीं तत्वों पर शिक्षण के सभी सिद्धांत आधारित हैं, क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थी को पाठ्यक्रम कैसे, कब और क्यों पढ़ाए जिससे प्रभावी शिक्षण हो सके, यही सब शिक्षण को सही दिशा प्रदान करता है। पहले शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो किसी भी अध्यापक को किसी भी प्रकार का पाठ पढ़ाते समय ध्यान में रखने चाहिए। आइए उन सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। रुचि जागृत करने का सिद्धांत। जब अध्यापक अपने विषय का प्रतिपादन करता है तो सबसे पहले आवश्यक है कि छात्र के लिए उन सूचनाओं का संकलन करे, वो जानकारी प्रदान करे जिससे छात्र की रुचि संबंधित विषय में जागृत हो। छात्र के लिए शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं लेगा। पहले दंड या अनुशासन के माध्यम से ज्ञानार्जन की प्रेरणा दे दी जाती थी, वर्तमान संदर्भ में किसी भी प्रकार की शारीरिक सजा, किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पुनिशमेंट कानूनन अपराध है। समय बदल गया है, बदलते समय के साथ शिक्षा प्रदान करने के तौर तरीके बदल गए हैं, इसलिए अनुशासन, नियम इनमें बांध करके विद्यार्थी को पहले की भांति किसी भी दंड का भय दिखाकर आप उसे शिक्षित नहीं कर सकते। उसको शिक्षित करने के लिए उसके अंतःकरण में आपको उस विषय के प्रति रुचि जागृत करनी होगी। तो रुचि जागृत करने का सिद्धांत शिक्षण का पहला सिद्धांत है। लेकिन रुचि जागृत करने के लिए क्या किया जाए जिससे छात्र स्वेच्छा से शिक्षा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसा तभी संभव है जब अध्यापक अपने विद्यार्थी के लिए अपने शिक्षण में उन सभी तत्वों का समावेश करे, उन सभी सूचनाओं का समावेश करे, उन सिद्धांतों का समावेश करे, उस विषय वस्तु का समावेश करे जिससे विद्यार्थी की रुचि संबंधित विषय के प्रति जागृत हो। तभी पाठ्य वस्तु के सही उद्देश्य और मूल भाव को समझकर विद्यार्थी उसमें रुचि लेगा और अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाएगा। दूसरा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा नहीं होगी तो किसी भी विषय की, किसी भी प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, संपूर्ण नहीं होगी। रुचि जागृत कर दे अध्यापक लेकिन अपने विद्यार्थी को प्रेरित ना कर पाए। रुचि का परिमार्जन ही प्रेरणा का सिद्धांत है। रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन, ये तीनों चीजें शिक्षण में प्रेरक की भूमिका में होते हैं, प्रमुख प्रेरक हैं ये। उद्देश्यहीन, प्रयोजन रहित शिक्षण कार्य आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थिरता उत्पन्न करते हैं। अतः अध्यापक के लिए यह आवश्यक है
कि वो जिस कंटेंट की डिलीवरी कर रहा है, जिस विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है, वो विषय वस्तु विद्यार्थी को और आगे पढ़ने के लिए, उस विषय वस्तु का और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसका और ज्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर सके। और प्रेरणा शिक्षण की तकनीक में भी निहित है और विषय वस्तु की सफलता में। अतः हर संभव प्रयास द्वारा छात्रों को ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करना शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है व्यवहारिक ज्ञान का सिद्धांत, अर्थात क्रिया करके, क्रियाओं द्वारा, गतिविधियों द्वारा सिखाने का सिद्धांत। यह शिक्षण हेतु सबसे प्रभावी सिद्धांत है, जो छात्रों में रुचि और प्रेरणा भी जागृत करता है। इसके अनुसार जो भी बालक को सिखाया जाए, उसे बालक एक निष्क्रिय श्रोता नहीं अपितु सक्रिय प्रतिभागिता द्वारा पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि कार्य को करके सीखने की बालक की जिज्ञासा रहती है। वो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इसी गतिविधि के द्वारा बिताता है कि मैंने ये करके सीखा है। और जब उसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करके सीखने का मौका मिलता है, तो वो और ज्यादा प्रेरित और उसकी रुचि और ज्यादा जागृत होती है। तो इसलिए ये तीसरा सिद्धांत भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सुझाए हैं, जैसे अनुबंधन का सिद्धांत। बालकों के भाषा विकास हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सीखने में यदि प्रत्यक्ष किसी चीज का प्रयोग हो, तो शिक्षण का यह तरीका बहुत सरल और रुचिकर होगा। जैसे दूध या पंखा को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष दिखाकर उसके बारे में सरलता से उसकी जानकारी दी जा सके। अनुकरण का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है, अनुकरण करके सीखता है। यह प्रक्रिया सरल, सहज व स्वाभाविक रूप से होती रहती है। समाज में हम अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन देखते रहते हैं और बालक देखते देखते उन गतिविधियों को सही और गलत दिशा में मानते हुए उन गतिविधियों के बारे में अनेक प्रतिक्रियाओं को अपने अंतःकरण में जन्म देता है। यही उसकी लर्निंग है। इसी प्रकार बालक जिस समाज में रहता है, उस समाज की शब्दावली को ग्रहण करता है, उस समाज में प्रयोग होने वाली भाषा को सीखता है। आपने देखा होगा, दो अलग अलग समुदायों में रहने वाले बालकों की भाषा में शब्दों का जो प्रयोग है, वो अपने अपने समुदाय के अनुसार बहुत आयत्ता के साथ होता है। ऐसा क्यों है? अनुकरण के सिद्धांत की वजह से है। यह प्रक्रिया सरल, सहज व स्वाभाविक रूप से होती है। यदि उसके परिवार, समाज में कोई भाषा संबंधी त्रुटि है, तो वह मातृभाषा के प्रभाव से बच्चे में भी आ जाती है। इस प्रकार बालक अनुकरण के द्वारा भाषा संबंधी अपने विकास को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता रहता है। भाषा शिक्षण में अनुकरण के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा सिद्धांत है भाषा ज्ञान प्राप्त करने का सिद्धांत, भाषा अर्जन का सिद्धांत इसको कहते हैं। यह सिद्धांत मुख्यतः चॉम्स्की द्वारा दिया हुआ है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं।
सही शब्दों का प्रयोग सीख जाते हैं, नए शब्दों का प्रयोग सीख जाते हैं। इस प्रकार सीखने की ये प्रक्रिया बच्चे में अनवरत चलती रहती है। इसी सिद्धांत को भाषा अर्जन का सिद्धांत कहा गया है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत भाषा प्रयोगों के अधिकाधिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना, सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बच्चों में उसकी सक्रिय भूमिका, पठन के प्रति सजग, प्रोत्साहित और आनंदित रखने वाली सभी गतिविधियां बच्चे को क्रियाशील बनाती है। बच्चा इन सभी क्रियाओं में सजग रहता है, प्रोत्साहित रहता है, आनंदित रहता है, या यूं कहें कि ये सभी सहगामी क्रियाएं बच्चे को प्रोत्साहित और आनंदित रखती है। और प्रोत्साहन और आनंद की इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार की शब्दावली को ग्रहण करता है, सीखता है, वाचन करता है। इसलिए क्रियाशीलता के इस सिद्धांत को भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है। इससे भाषा शिक्षण बहुत सरल हो जाता है। अभ्यास का सिद्धांत, किसी भी चीज को सीखने के लिए उसके निरंतर अभ्यास की आवश्यकता हमेशा रहती है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही वह हमारे व्यवहार में आती है। अभ्यास के द्वारा ही हम किसी भी प्रकार की कला में निपुणता प्राप्त करते हैं। भाषा का प्रयोग, भाषा का ज्ञान, ये भी कलात्मक है। इसकी कलात्मकता, इसका सौंदर्य उतना ही अधिक निखरता जाएगा जितना हम इसका प्रयोग करते जाएंगे। भाषा के अधिकाधिक लिखित, मौखिक या वैचारिक अभ्यास से अवसर मिलने पर बच्चों को भाषा के प्रयोग संबंधी अनेक प्रकार के आयोजनों द्वारा हम उनकी भाषा विकास को गति देते हैं, दिशा देते हैं, क्योंकि अनेक गतिविधियों के माध्यम से, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता है, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता है, चाहे सुलेख प्रतियोगिता है, किसी भी प्रकार की लिखित, मौखिक, वैचारिक गतिविधि का अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास सही प्रकार से होना संभव है। इसलिए इन गतिविधियों के माध्यम से उसे भाषा प्रयोग का अभ्यास हो जाता है। इसीलिए भाषा शिक्षण में अभ्यास के सिद्धांत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन समन्वय का सिद्धांत, यह वैज्ञानिकों द्वारा सर्व मान्य है कि बच्चा जिन विषयों में बहुत रुचि लेता है, जो उसे अपने जीवन से संबंधित लगती हैं, उन्हीं विषयों में वह अत्यधिक ज्यादा रुचि लेता है। अतः किसी विषय को बच्चों के जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे उसे पूर्ण रुचि और प्रतिभागिता से सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम भाषा ज्ञान जब जब प्रदान करते हैं, भाषा सिखाने के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो जीवन समन्वय के उदाहरण देकर के बच्चों के सामने इस प्रकार के दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं कि उन्हें संबंधित विषय जीवन के किसी हिस्से से संबंधित लगता है। जिन जीवन के जिन घटनाओं, जिन अनुभवों के बारे में बालक नहीं जानता है, और वो घटनाएं, वो अनुभव उसके परिवेश में हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार घटित होते हैं, जब उनकी ओर हम उसका ध्यान आकर्षित करते हैं और उसके जीवन के विकास से उनको जोड़ते हैं, तो बालक का ध्यान संबंधित विषय पर और ज़्यादा केंद्रित होता है और उस विषय से संबंधित शब्दावली का विकास होता है। इस प्रकार की गतिविधि द्वारा भी, इस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा भी भाषा ज्ञान प्राप्त होता है, बढ़ता है, विकसित होता है और
जब हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो इसको जीवन समन्वय का सिद्धांत कहा जाता है। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत, यह बहुत आवश्यक है कि जब हम बालक को किसी भी विषय की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो बालक को इस बात का आभास रहना चाहिए, इस बात का एहसास रहना चाहिए, इस बात की जानकारी उसके पास पहले से होनी चाहिए कि वह जो कुछ पढ़ रहा है, इस चीज को पढ़ने के बाद, इसको सीखने के बाद, इसको याद कर लेने के बाद, वो विषय वस्तु, वो पाठ्यक्रम, वो टॉपिक उसके जीवन में इस प्रकार से काम आएगा। यदि उस विषय का के सीखने का उद्देश्य बालक के सामने पहले से है तो बालक अन्य विषयों की अपेक्षा उस विषय को जल्दी सीखेगा। इसलिए हम जब भी किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं तो उस ज्ञान के पीछे कोई ना कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव बालक के जहन में पहले से विद्यमान होना चाहिए। उद्देश्य व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे बच्चों की श्रवण क्षमता का ज्ञान, काव्य पठन का कौशल आदि आदि। विविधता का सिद्धांत, भारत एक बहुभाषिक देश है और शिक्षक को इस बहुभाषिकता को कठिनाई नहीं अपितु संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। विविधता प्रतिभा, शारीरिक क्षमता, विचारों के आधार पर भी हो सकती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सही पठन सामग्री का चयन कर एक समावेशी शिक्षा का आयोजन करने में समर्थ हो, जहां हर प्रकार के छात्रों को भाषा सीखने के समान अवसर मिले। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, भाषा कौशल विशेषतः चार प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सही कौशलों का सही से क्रमबद्ध एवं साथ साथ विकास होना बहुत आवश्यक है। एक कौशल में कमी हो तो भाषा विकास अधूरा ही माना जाएगा। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों में सभी भाषा कौशलों में निपुणता हासिल करवाना है, जिससे वे भाषा का प्रभावी और संदर्भ युक्त प्रयोग कर सकें। बोलचाल का सिद्धांत, इसके अनुसार बातचीत के माध्यम से भाषा सरलता और स्थायी रूप से सीखी जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। यह भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर केंद्रित है। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा प्रयोग के सही संदर्भ में अधिकाधिक अवसर मिलते हैं और एक समृद्ध परिवेश की उपलब्धता होती है। चयन का सिद्धांत, भाषा शिक्षण हेतु यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। कक्षा में किस प्रकार के छात्रों को कब, क्या और कैसे पढ़ना है, इसमें सही विधि, समय, पठन सामग्री और विषय का चयन बहुत महत्व रखता है। विषय को हर समय मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कौन सी विधि सही काम कर रही है। शिक्षक द्वारा किया गया है मूल्यांकन बालकों की सीखने की क्षमता किस विधि में कितनी विकसित होती है शिक्षक को बताती रहती है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार सही दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस प्रकार की दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उसकी उपलब्धता कितनी सरल और सहज है या नहीं है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, शिक्षक को यह समझना होगा कि शिक्षण के केंद्र में छात्र है। शिक्षा के क्षेत्र में आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो चुका है और छात्र केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत इसी बात की ओर संकेत करता है कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने भी प्रयास कर रहे हैं
वो सारे प्रयास बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए छात्र वर्ग की रुचि, छात्र वर्ग का मानसिक स्तर, छात्र वर्ग की विशेष आवश्यकताओं, छात्र वर्ग का विशेष स्वभाव, उनकी विशेषताएं, उनका व्यक्तित्व, इन सब का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो शिक्षण को सही दिशा प्रदान कर पाएंगे। पठन सामग्री और विधि का चयन उसी आधार पर होना चाहिए हम जिस प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, भाषा की शिक्षा देने के लिए शिक्षक कई विधियां या सूत्र अपनाता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, सरलता से कठिनता की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आंशिकता से संपूर्णता की ओर आदि आदि। ये शिक्षण सूत्र हैं। इन सिद्धांतों को हम प्रतिपादित करते हैं, इन सूत्रों को अपनाते हैं। छात्रों की विविधता और आवश्यकताओं तथा चयनित विषय की गंभीरता को देखते हुए सही सूत्र का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। साहचर्य अर्थात संगति का सिद्धांत, बच्चे सर्वप्रथम भाषा अपने परिवार और समाज से सीखते हैं, अपनी संगति से सीखते हैं, अपनी सराउंडिंग से, अपने परिवेश से सीखते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिले, जिससे अपने हर तरह भाषा का प्रयोग होते देख बच्चा सहज रूप से भाषा को अधिक सीखने लगेगा। सही संगति से भाषा के मानक रूप को भी सीखने में सक्षम होगा। यह संगति व्यक्ति, वस्तु या पर्यावरण किसी भी प्रकार की हो सकती है। विभाजन का सिद्धांत, इसके अनुसार शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि चयनित पाठ को छोटे भागों में विभाजित कर बच्चों को एक एक करके पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे सरलता से उसे समझकर आगे बढ़ सकें। यह सिद्धांत सरल से जटिल के शिक्षण सूत्र को पोषित करता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यह अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षक को निर्देश देता है कि पढ़े गए पाठ या विषय की सही अंतराओं पर लिखित मौखिक परीक्षाओं या कक्षा सहगामी क्रियाओं द्वारा पुनरावृत्ति होते रहने से बच्चे का भाषा अधिगम अधिक सुदृढ़ होता है, और भाषा अधिगम सुदृढ़ होगा तो बालक अनेक प्रकार की विविधताओं में, अनेक प्रकार के विचारों की उलझनों में, अनेक प्रकार की स्वाध्याय की पुस्तकों में विचरण करते हुए जब उनका वर्णन करेगा तो उसके पास पर्याप्त शब्दावली होगी, उपयुक्त शब्दावली होगी, और उस शब्दावली का प्रयोग करेगा तो उसे अपने विचारों को प्रकट करने में सरलता, सहजता महसूस होगी, उसे अपने आप में परिपक्वता नजर आएगी। वो जब भी किसी भाव या विचार को प्रकट करना चाहेगा तो उसे परिपक्वता के साथ अभिव्यक्त कर सकेगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि भाषा के शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिक रुचिकर बनाने के लिए अपने विद्यार्थियों का भाषा कौशल वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के लिए हमें भाषा शिक्षण में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को समुचित रूप से, संयमित रूप से, अनुशासित रूप से, अनुपातिक रूप से प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि हम अपने विद्यार्थियों के लिए एक वक्ता के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, शब्द एवं भाषा प्रयोग करने वाले के रूप में एक आदर्श बन सकें, एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। बालक भाषा प्रयोग में भाषा अध्यापक का अनुकरण कर सके,
भाषा अध्यापक को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसकी शारीरिक और मानसिक और वैचारिक और जितने प्रकार से भी वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, उसके रिफ्लेक्शन में जिस प्रकार की भी भाषा झलकती है वो एक आदर्श भाषा होनी चाहिए। ये सभी शिक्षण को सही दिशा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षण में आने वाली अपरिचित कठिनाइयों का हल ढूंढने में भी शिक्षक के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।